बीजेपी क्रीड़ा प्रकोष्ठ की ओर से भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर महिला क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने खेल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया, जिसमें कुल 6 टीमों ने मैच में भाग लिया। डिप्टी सीएम ने बदलते बिहार और महिला उत्थान पर चर्चा करते हुए कहा कि बिहार की महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं। महिलाएं खेल का मैदान हो या जंग का मैदान, सभी क्षेत्रों में बेहतर कर रही हैं। बिहार की महिला खिलाड़ी बिहार का नाम रोशन करेंगी। गेंद पे प्यारा प्रहार करना चाहते थे, भाग्यशाली है बल्लेबाजी, गेंद ने बल्ले का बारीक किनारा नहीं लिया। अभी भी अंकु अपने क्रीज में सुरक्षित, सुरक्षित मौजूद। और अपने अस्त्र तक से मात्र 5 रन की दूरी पे है स्वर्णिमा। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री रहे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्मतिथि के पूर्व संध्या के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी खेल प्रकोष्ठ बिहार प्रदेश के तत्वाधान में आज महिला क्रिकेट मैच का आयोजन किया जा रहा है। और इस अवसर पर हमारे बिहार के ऊर्जावान नौजवान, हमारे साथी युवा संस्कृति खेल मंत्री श्री आलोक रंजन जी एवं बिहार की बेटी, जिसने पूरे बिहार को ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर बिहार को ही नहीं पूरे देश को गौरवान्वित किया है, सुश्री श्रेयसी सिंह जी भी, और खेल के साथ साथ विधायी क्षेत्र में भी काफ़ी अग्रणी रहती हैं, आज इस अवसर पर उपस्थित हैं। मैं सबों को बधाई देता हूं और खिलाड़ियों को भी बधाई देता हूं। हमारी सरकार ने खास करके महिलाओं को जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में काफ़ी अवसर दिया है, और उसी का यह परिणाम है कि आज हमारी बेटियां भी जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में काफ़ी अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। और महिला क्रिकेट के क्षेत्र में भारत ने, बिहार ने अच्छे खिलाड़ियों को जन्म दिया है, और आज प्रसन्नता है कि जो हमारे क्रिकेट के बड़े खिलाड़ी के रूप में जिन्होंने पूरे बिहार को गौरवान्वित किया है, उनके सम्माननीय माता पिता भी उपस्थित हैं, हम उन्हें अभिनंदन भी करते हैं।